खाना खिलाते हुए शुरुआत हुई थी। सुचित्रा घोष जो हमारी मैडम है, हमारी धर्मपत्नी है, उन्होंने ये पशु जीवाद सोलफुल लव फाउंडेशन का शुरुआत की थी। और हमारी सोसाइटी में स्ट्रे डॉग जो है, सोसाइटी के जो डॉग्स है वहाँ खाना खिला रहे थे। लॉकडाउन के अंदर ये प्रेरणा उनको मिली और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक आह्वान किया था हर एक नागरिक को कि आप लोग आसपास के जानवरों का भी ख्याल रखिए कि वो कभी भूखे ना मरे। तो ये प्रेरणा लेके सुचित्रा घोष ने ये डॉग को खाना खिलाने की शुरुआत की सोसाइटी में, और वहाँ से पशु जीवा द सोल फाउंडेशन की नींव रखी गई। और मैं आपको बताते हुए आपको हम प्रशंसा देते हैं कि आप लोगों ने भी हमें बहुत साथ सहकार दिया। ये आज पशु जीवा द सोल फुल लव फाउंडेशन का एक साल 15 दिसंबर को पूरा हुआ और बहुत आनंद के साथ आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमें मडाई लैंड के अंदर 18,000 स्क्वायर फुट बहुत बड़ी जगह मिल गई है, जहां हम एक एनिमल केयर सेंटर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, एनिमल ओनली एनिमल, और दूसरा वहां हम बहुत बड़ा फॉस्टर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपका और महादेव का आशीर्वाद होगा तो अवश्य ये पशु जीवा फाउंडेशन का 15 दिसंबर को एक साल पूरा हुआ, इसके अंतर्गत ये पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन ने आज 17 दिसंबर यारी रोड वर्सोवा पेट पार्क के अंदर एक डॉग एडॉप्शन कैंप, 2 से 6 महीने के पपीज और किटन्स के बच्चों का एडॉप्शन कैंप रखा और काफ़ी लोग आए यहाँ देखा और काफ़ी लोगों ने यहाँ एडॉप्शन भी किया है। तो पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन ये छोटे छोटे पपीज और किटन्स के बच्चे को वो लोगों ने घर दिया है, एक फैमिली मेंबर बनाया है। उसके लिए पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन उनका हार्दिक आभार मानते हैं, तहे दिल से आभार मानते हैं। ने मुझे बुलाया है, मैं उनका दिल जहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहले तो मैं राकेश जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा कि यहाँ पे आके बुला के पहला उनका मैं। अभी क्या होता है कि जो फ़ोटो निकालता है उसका कभी फ़ोटो नहीं आता, जैसे सर ने ऑर्गेनाइजर किया है तो उनका सत्कार नहीं होता, पहला उनका मैं सत्कार करता हूँ फिर बाद में आपको इस बीच चालू करता हूँ। इसी जो लोग ने जो प्रोग्राम चालू किया है यहाँ पे, यानी कि तारीफ के काबिल है। क्या होता है कि इंसान में सभी जगह प्रोग्राम होते हैं, कोई स्पोर्ट्स का होता है, कोई सिंगिंग का होता है, कोई इसका होता है, सभी का होता है, लेकिन जो ऐसे प्रोग्राम तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सब में ज़रा जागरूक काम रहेगा तो इनका है। क्योंकि जो बड़े बड़े बॉम्ब शोध ये किया है, जो क्रिमिनल रहेंगे अगर किसी का शोध करना है तो हमको स्पेशल चिल्ड्रन, यानी कि डॉग को हमने क्या करते हैं स्पेशल चिल्ड्रन करके बोलते हैं। डॉग करके कभी क्या होता है, कभी कभी कुत्ता बोला, कभी डॉग बोला, तो कभी किसी को गुस्सा भी आता है और क्या होता है, तो उसके लिए हमने क्या रखा उनका नाम स्पेशल चिल्ड्रन। तो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं। तो ये बच्चों का जो इन्होंने हमारे लिए जो मदद किया है, महाराष्ट्र पुलिस के लिए बोलो या इंडिया पुलिस के लिए जो काम किया है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही तारीफ के काबिल किया है। तो उसके लिए उनका तो अभी जो भी मेडल है हमारे डॉग स्क्वाड के ये हैं, तो उनको गोल्ड हमारा मार्च पास रहता है, तो जैसा इंसान नहीं कर सकता वैसे वो कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम चालू किया है,
तो इसके लिए अभी हमारे यहाँ पे एक DY SP हैं सुभाष नवले करके, अगर उनको कुछ कोच करने के लिए आपको अगर मदद लगती रहेगी तो मैं नेक्स्ट वीक में उनको मैं बुला सकता हूँ, जो भी कोच करना है या उनको कुछ ट्रेनिंग करना है उनके लिए, कुछ अरेंज कुछ और दूसरा करना है, क्योंकि उन्होंने इसमें PhD किया है, तो उसके लिए वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अभी SP हैं वो, अभी CID में हैं SP करके, तो मैं उनको बुला के यहाँ ये कर सकता हूँ। तो डॉग स्क्वाड के लिए कैसे जो भी मदद लगती है वो कर लूँगा, और एक स्पेशल मैं इनको डॉग नहीं बोलता हूँ क्योंकि उनको एक स्पेशल चिल्ड्रन करके बोल देता हूँ, तो उनका बहुत ही अच्छा है और मुझे यहाँ बुलाया, और लाख लाख शुक्रिया मेरा दो बल्कि बल्कि मैं धन्यवाद देता। और आज हमारे बीच में हेमंत डोलके सर जो NIA के DCP है मुंबई रीजनल, वो आने वाले थे, पर उनको अचानक एक डिपार्टमेंट की अर्जेंट मीटिंग आई, तो उन्होंने पशु जीवाधार सोलफल लव फाउंडेशन को अपना शुभकामनाएँ दी है और वार्म रिगार्ड्स दिया है, तो उसके लिए मैं हेमंत डोलके सर जो NIA DCP सर है उनका भी तहे दिल से आभार मानता हूँ, और पशु जीवाधार सोलफल लव फाउंडेशन के डॉग एडॉप्शन को एक नए कैंप को नई प्रेरणा और नई दिशा देने वाले एकता मंच के संचालक अजय कौल सर, उनसे मैं अभी निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य पेश करें। मंच पर उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि ACP साहब, सबसे पहले तो पशु जीवा सोशल फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सचमुच जानवरों से प्यार है, हम इनको हमेशा कहते हैं दे आर फरी बेबीज, और इस इलाके में जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्मा है और ऐसे इतने सारे एनिमल लवर्स हैं जो सचमुच अपने क्या कहते हैं जिसे प्राणों से भी ज़्यादा वो एनिमल्स को प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनको अगर कोई कठिनाई होती है या उनको कोई दुख दर्द होता है तो यकीन जानिए ये दुख दर्द उनको अपने दिल में हुआ है ऐसा लगता है। जब ऐसे चाहने वाले लोग हैं तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे यहाँ एनिमल्स हैं वो सचमुच बहुत सुरक्षित हाथों में है। जहाँ तक ये अडॉप्शन कैंप का सवाल है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर ये बच्चों को अगर एक घर मिले और प्यार करने वाले उनको अपने माँ बाप जैसे बच्चे अपनों आपको प्यार करते हैं बच्चों को, अगर उसी प्रकार से अगर उनको एक घर मिले तो यकीनन ये बहुत अच्छे घरों में जाएंगे और इनकी काफ़ी देख रेख होगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके फाउंडेशन के प्रति कि आप लोग ऐसा ही अच्छा काम कीजिए, और हमारे लायक कोई भी सेवा होगी तो बिना झिझक के प्लीज़ हमें इन्वॉल्व कीजिए, हमें खुशी होगी इस काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मिस्टर प्रशांत जी जो हमारे विराजमान है अपना वक्तव्य प्रेस करें दो वाक्य में सर। हाँ, प्रेरणा मिलती है ना सबको। हेलो, आज जो यहाँ पे एडॉप्शन का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारे ACP साहब यहाँ शरीक हुए हैं, अजय सर है और जो मेन ऑर्गेनाइजर है, उनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहूँगा। ऐसा कार्य जो बहुत कम देखा जाता है लोगों में कि इस चीज़ का कोई कैंप लगाता है, कैंप बहुत सारे होते हैं जो जुबान वाले जानवर हैं जैसे हम लोग हैं, इनके लिए बहुत कैंप्स हो गए, ये बेजुबान है, इनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है, और एडॉप्शन का कैंप अपने आप में सराहनीय बात है, और विल्मा को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, ऐसी चीज़ें बार बार करते रहे और एकता मंच आपके हमेशा साथ में रहेगा। देखिए हमारे जो पशु जीवाधार सोलफुल लव फाउंडेशन की आज से एक साल पहले नींव रखी गई थी, वो हमारे सोसाइटी के जो बच्चे हैं वहाँ हमारे जो दूसरे डायरेक्टर है सुचिस्मिता मैम वो खाना खिला रही थी, और वो खाना खिलाते हुए काफ़ी उनको लोगों का सामना करना पड़ा, सोसाइटी के चेयरमैन डायरेक्टर सेक्रेटरी वो लोगों का बहुत उनको सामना करना पड़ा, उनके साथ बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन संघर्ष के बाद भी उन्होंने कितनी भी लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ तो
तो भी उन्होंने वो स्ट्रे डॉग्स को सोसाइटी के डॉग्स को कंटिन्यू खाना खिलाना चालू रखा। और उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, तो जो हमारे से जो बेचारे जो फीडर लोग हैं वो लोग खाना खिला रहे हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा। हम तो एक हम कैपेबल है तो हम उनका सामना कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर दया है, जो लोग फीडर है, वो लोग कैसे इन लोगों का सामना कर सकेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी डॉग को खाना नहीं खिलाने दे रहे हैं, बराबर है, अकॉर्डिंग टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड गाइडलाइंस, उस हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। और पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड किया और आगे हम आगे उसकी शुरुआत की। अजय सर, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द कैंप ऑर्गेनाइज बाय पशु जीवा एंड अबाउट राकेश सर एंड अबाउट हिज टीम? Firstly, I would congratulate all the office bearers of Pashu Jeeva Social Foundation for the excellent work that they have been doing. Because generally we see that there are very few animal activists in the area, and apart from being an activist, their love and affection towards animal is really praiseworthy. I would really like to congratulate Rakesh Ji and his entire team for their selfless and dedicated services towards the animals. So what would you say about the initiative? इसे जो लॉ फाउंडेशन है, इन्होंने जो प्रोजेक्ट चालू किया है तो बहुत ही तारीफ के काबिल है। लेकिन अभी मैं एक नेशनल फेडरेशन है जितकेंडो, जितकेंडो का नेशनल फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इनको जगह मिला है तो मैं एक नेशनल चैम्पियनशिप ले लूँगा, और नेशनल चैम्पियनशिप में जो भी पैसा आता है वो इनके डोनेशन को इनको संस्था को मैं डोनेट कर दूँगा। ये संस्था इन बच्चों को घर दिलाने का और हक का घर देने का काम कर रही है ना, इसका काम सराहनीय है, और इनको इनके काम में सफलता मिले यही मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ। विनायक जी, आप क्या कहना चाहोगे? विषय कसा आहे, हे माझे गुरु आहेत आणि यांनी जे कॅम्प चालू केला आहे एक चांगला आहे, मुक्त करण्यासाठी म्हणजे यांनी चांगलं करताय, ते चांगलंच आहे, त्याला बोलता येत नाही, त्याला तुम्ही त्याला जो रस्त्यावर जरी असला त्याला आम्ही त्याचा उपचार करून त्याला व्यवस्थित करून घेतात, काय हे योगदान मोठं आहे आणि माझं स्कोप आहे म्हणून सगळं व्यवस्थित चालू आहे। हम पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन को एक साल के अंदर मडाईलैंड के अंदर जो एक पशुपालन की जगह बहुत बड़ी मिली है, उसके अंदर हम एनिमल कैंसर हॉस्पिटल और जो हमारा आज की तारीख में मलाड में फॉस्टर है उससे भी बड़ा फॉस्टर हम करना चाहेंगे। और पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन को अगर ऐसे ही लोगों का प्यार और सहकार मिला तो मुंबई के हर एक एरिया के अंदर मैं ऐसा एक फॉस्टर हम बनाना चाहेंगे। ये हमारी भविष्य की एक फ्यूचर प्लान है, जो अगर महादेव का आशीर्वाद हुआ तो हम मुंबई के हर एक एरिया में ऐसा फॉस्टर बना पाएंगे। इनका जो जगह मिली है अगर वो पूरा बांध के हो जाता है तो महाराष्ट्र पुलिस के जो इंस्पेक्टर है वो डॉग को कोच करेंगे, मैं इतना गारंटी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई साहब हमारे साथ जब संघर्ष के दिन थे, हमारी मैं साथ में है और अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और मेरे क्लासमेट है खतीब सर, तो आज उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी है, साथ दिया है, और आज पशु जीवा एक साल पूरा होने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। और फिर से मैं गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट जो आए हैं डॉक्टर राज खतीब एसीपी मुंबई और एकता मंच के संचालक डॉक्टर अजय कौल सर और प्रशांत जी, विनायक पाटिल जी,
उनका तहे दिल से आभार मानूंगा और जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। पशु जीवा द सोलफुल लाइफ फाउंडेशन की तरफ से राज सर, अजय सर, जितने सारे हमारे गेस्ट्स आए बच्चे लोगों को देखने के लिए, जो जो वॉलंटियर्स सुबह से काम कर रहे हैं एंड जो जो हमें शुभेच्छा वार्ता भेजे हैं ये प्रोग्राम को साकार करने में, हम सबको बहुत अच्छे से, बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, बच्चे लोगों के साथ दे एंड उनको, हम लोग खाली चाहते हैं जो रास्ते में भूखे प्यासे बीमार बच्चे पड़े रहते हैं उनको अच्छा सा एक घर मिल जाए, बाकी ज़िंदगी उनको सुकून से गुजार जाए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे गेस्ट आए हैं, दो तीन बच्चे ऑलरेडी एडॉप्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ से एंड आशा करती हूँ कि बाकी जो जितने देर तक प्रोग्राम चलेगा बहुत सारे गेस्ट और आएंगे, ऐसे ही हमें सपोर्ट करेंगे, बच्चे लोगों को अडॉप्ट करेंगे, घर दिलाएंगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू पशु जीवा फाउंडेशन एंड कीप डूइंग द गुड वर्क विच दे आर डूइंग। धवल जी का भी पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन में साइलेंट रोल है, उन्होंने भी पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय और काफ़ी कुछ किया है, उसके लिए पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन उनका तहे दिल से आभार मानता है। मैं राकेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि राकेश जी ने यहाँ इन्वाइट किया और ये इतना अच्छा काम कर रहे कि मना करने की कोई बात ही नहीं थी कि मैं ना आऊँ, तो इसके लिए राकेश जी आपको आप इतने अच्छे काम के लिए आगे आ रहे हैं और इन सबका ख्याल रख रहे हैं जिनका कोई ख्याल नहीं रखना चाहते। नो वर्स, थैंक यू। लक्ष्मी जी भी एक डॉग लवर है और उनके घर भी डॉग है, तो हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे।